जीवन के कुछ बुरे दिन हो सकते हैं जो आपको टूटा हुआ महसूस करवा सकते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। आप हमेशा याद रखिए कि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा कहना है हमारे फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी का। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि MS धोनी के क्या विचार थे ज़िंदगी को लेकर और वह इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है, तो तुम भी वो कर सकते हो। अपनी लाइफ में डिसीजन लेने से कभी मत डरो। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर MS धोनी एक TTE की जॉब करते रहते तो शायद से ही उनका नाम सुनने को मिलता। उन्होंने अपनी बढ़िया सी सरकारी नौकरी को छोड़कर बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इस डिसीजन से उनके परिवार वाले उनसे नाखुश थे, लेकिन वो थे धोनी। उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वो इस खेल में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, यही फ़र्क होता है एक मैंगो मैन और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन में। दोस्तों, फैसला आपका है, आपको मैंगो मैन बनना है या MS धोनी जैसा बनना है, द फास्टेस्ट डिसीजन मेकर। दोस्तों, उनका एग्जाम्पल हम उनके खेल में देख सकते हैं। दोस्तों, उनका डिसीज़न एम्पायर के डिसीजन से पहले आता था, फिर वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिर उनके पहले मैच का रिजल्ट बढ़िया नहीं था, वो डकआउट हो गए। इन्होंने अपने शुरुआती 4 मैचों में टोटल 22 रन बनाए थे। फिर उन्होंने अपने 5वें मैच में सबको दिखा दिया 148 रन बनाकर कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। दोस्तों, एक सफल इंसान बनने के लिए अपने अंदर से डर को भगाओ और नेगेटिविटी को हटाओ। इसकी जगह और कोई होता तो शायद से ही वो 0 पे आउट होने का डर भुला पाता, वो भी अपने पहले मैच। लेकिन नहीं, MS धोनी ने इस डर को भगाया और जिता दिया अपनी टीम को 148 रन बनाकर अगेंस्ट पाकिस्तान। MS धोनी का कहना है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलता हूँ। ठीक वैसे ही आप भी पहले कोई काम करिए तो पैसों के लिए नहीं, अपना अनुभव बढ़ाने के लिए करिए। वो कहते हैं ना दोस्त, अनुभव हर जगह काम आता है, पैसे से तुम अनुभव नहीं खरीद सकते। दोस्तों, इसके साथ ही MS धोनी ने इंडिया को दूसरी बार वर्ल्ड कप जिताया, पहली बार कपिल देव ने जिताया था, और जो एक देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आप MS धोनी की लाइफ से सीख ले सकते हैं कि वो कितने सुलझे हुए इंसान हैं और वो कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करते हैं। वो जहाँ से उभरे हैं वो वहीं पर हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। मिलेंगे ऐसी एक और मोटिवेशनल वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और देखते रहिए द रिस्क टेकर मोटिवेशन।